नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित पराक्रम दिवस उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, नेताजी के योगदान को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखना हम सबका कर्तव्य। मुख्यमंत्री ने भी नेताजी के संघर्ष और अतुल्य योगदान को किया नमन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री ने देहरादून में किया सैन्य धाम का शिलान्यास। शहीद के परिजनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की घोषणा, 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई राशि। राजधानी देहरादून पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया भाग। हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के काम पर जताई संतुष्टि। कहा, विस्तारीकरण के बाद देश के बेहतरीन हवाई अड्डों में शामिल होगा देहरादून एयरपोर्ट। और बालिका दिवस पर एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी हरिद्वार निवासी सृष्टि गोस्वामी। विभागीय विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। अभिभावकों ने कहा, मुख्यमंत्री की पहल से दूसरे राज्यों को लेनी चाहिए प्रेरणा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज महान स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। नेताजी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेताजी और उनकी माता को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने बंगाल की भूमि को भी आदरपूर्वक नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी की व्याख्या के लिए उनके पास शब्द कम हैं। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन भारत के आत्मगौरव का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि हर साल नेताजी की जयंती ऐसे ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी और ये हम सबका कर्तव्य है कि नेताजी के योगदान को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर प्रदेश सरकार ने सैन्य धाम का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के पुरकुल गांव में आज पराक्रम दिवस पर सैन्य धाम की आधारशिला रखी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में पांचवें धाम के तौर पर सैन्य धाम की घोषणा की थी। इसी कड़ी में आज सैन्य धाम की आधारशिला रखी गई। इस सैन्य धाम में देश की आजादी के बाद देश की रक्षा में अपना बलिदान देने वाले राज्य के वीर सपूतों का विवरण अंकित होगा। सैन्य धाम में राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा के साथ ही इससे संबंधित जानकारी भी आम जनता को उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री जी के कंसेप्ट के आधार पर इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया और आज सैन्य धाम का इस बहुत ही खूबसूरत जगह पर आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो यहां से देशभक्ति का गहरा संस्कार लेकर यहां से जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को मिलने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की घोषणा की। ये राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सैन्य धाम के लिए हर शहीद सैनिक के परिवार के घर के आंगन की मिट्टी लाई जाएगी। उनके परिवार को राशि के रूप में 10 लाख रुपया दिया जाता है और उनके एक आश्रित को गवर्नमेंट सर्विस दी जा रही है उनकी योग्यता के आधार पर। जो राशि 10 लाख रुपए हम दे रहे थे उसको बढ़ा करके और 15 लाख देने की घोषणा आज मैंने यहां पर की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पराक्रम दिवस के अवसर पर जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कहा कि करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारों दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा से युवा वर्ग में एक नए उत्साह का प्रवाह हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अतुल्य योगदान के लिए नेताजी सदा याद किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक आज राजधानी देहरादून पहुंचे जहां उन्होंने एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भाग लिया। डॉ. निशंक ने हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के काम पर संतुष्टि जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि 450 करोड़ के विस्तारीकरण के इस प्रोजेक्ट का पहला चरण मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे की गिनती देश के बेहतरीन हवाई अड्डों में होगी। लगभग 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पहले चरण का काम
अपेक्षा कर रहे हैं कि मार्च में पूरा हो जाएगा और ये देश के कुछ चुनिंदे अच्छे एयरपोर्ट में इसकी गणना होगी। इस मानक के आधार पर इसका निर्माण हो रहा है। इसने कम समय में अपनी काफी प्रगति की है और ये इस एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद ये बहुत अच्छे फलक पर आ जाएगा। वैसे भी चार धाम के लिए हरिद्वार है, ऋषिकेश है और जो पर्यटक है आना चाहता है उत्तराखंड में, और जहाँ धार्मिक दृष्टि से देश की संस्कृति का प्राण है ये, वहीं इसको धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। तो अभी धरती का स्वर्ग देखने के लिए दुनिया आएगी और हम अपील करेंगे कि आइए, जिसने उत्तराखंड नहीं देखा उसने कहीं दुनिया देखी नहीं, ऐसा लोगों को महसूस होगा। लेकिन इसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट को कुछ जमीन भी देनी है। हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में डॉ निशंक को हवाई अड्डे के विस्तारीकरण और मास्टर प्लान का ब्यौरा दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्य की प्रगति को लेकर डॉ निशंक ने प्रसन्नता जाहिर की है। प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जैसे टर्मिनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, एप्रन का प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो गया है, रनवे का प्रोजेक्ट चल रहा है और जो आगे हमारे क्या प्रोजेक्ट है, हमारा मास्टर प्लान क्या है, इन सब पर काफी चर्चा हुई। और उसके अलावा जो नॉर्मल मुद्दे होते हैं ये सारे चर्चा में आए और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हम सब चीज उनके लाए और उनको भी देख करके अच्छा लगा कि एयरपोर्ट में इतनी अच्छी प्रोग्रेस हमारी तरक्की हो रही है, हमारा प्रोजेक्ट भी अच्छा चल रहा है। स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय लोगों को हमेशा प्रायोरिटी में रखा जाता है, हम भी रखते हैं, हर चीज के लिए हम ध्यान रखेंगे और एयरपोर्ट का विस्तारीकरण के लिए जो सबसे अच्छे जो प्रयास हम कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार के दौलतपुर गांव निवासी सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए बालिका दिवस के अवसर पर कल बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लिए गए इस फैसले की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के दौरान विधानसभा के कक्ष नंबर 120 में बाल विधानसभा भी आयोजित की जाएगी। बतौर मुख्यमंत्री सृष्टि प्रदेश के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। इसके लिए नामित विभाग के अधिकारी बाल विधानसभा में 5-5 मिनट की प्रस्तुति भी देंगे। सृष्टि ने ये अवसर दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। नमस्कार, मैं सृष्टि गोस्वामी, जिला हरिद्वार। मैं उत्तराखंड बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री हूँ, जिसका गठन प्लान इंडिया, राज्य बाल संरक्षण आयोग व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम द्वारा किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर बालिका दिवस पर मिला है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूं। इस दिन विभिन्न विभाग मेरे सामने अपने कार्यों का प्रस्तुतीकरण करेंगे, जिसके बाद मैं उन्हें अपने सुझाव दूंगी। खासकर बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए सुझाव मैं उनको दूंगी। बाल मुख्यमंत्री के तौर पर सृष्टि के चुनाव पर उनके माता पिता बेहद खुश हैं। उन्हें अपनी बेटी की कामयाबी पर गर्व है। सृष्टि के पिता का कहना है कि दूसरे राज्यों को भी सरकार की इस पहल से प्रेरणा लेनी चाहिए। देश या पूरा राज्य भी इसका जो है एक उदाहरण है और वो इससे प्रेरणा ले, और इसमें मैं उत्तराखंड सरकार का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को इस लायक समझा। वहीं सृष्टि की मां ने कहा कि आज बेटियां किसी से पीछे नहीं हैं, जरूरत है तो हर मोर्चे पर उनका हौसला बढ़ाने की। सर, बहुत गर्व फील हो रहा है, बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बस उनका खुल के साथ दीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, बेटियां किसी से कम नहीं है। और इस दिन के लिए, इस अचीवमेंट के लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी बेटी को इस लायक समझा। देहरादून के 15 वर्षीय अनुराग रमोला को 26 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हर साल अलग अलग श्रेणियों में विशेष योग्यता रखने वाले बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अनुराग को यह पुरस्कार कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाएगा। अनुराग मूल रूप से टिहरी के प्रतापनगर के रहने वाले हैं। उनकी उम्र केवल 15 वर्ष है, लेकिन अब तक अनुराग राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित 235 से अधिक पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं। इस पुरस्कार के तहत अनुराग को मेडल, सर्टिफिकेट और 1,00,000 रूपये की धनराशि दी जाएगी। अनुराग रमोला ने बताया कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें वर्चुअल रूप से सम्मानित करेंगे। इससे पहले 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजेताओं से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2021 का मुझे कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में पेंटिंग के लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसमें मेरे नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स थे, जिसके लिए पूरे इंडिया में से सिलेक्शन हुआ मेरा इस पुरस्कार के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। बेटे को सम्मान मिलने पर परिवार में खुशी का माहौल है। अनुराग की प्रतिभा पर उनके पिता चैत सिंह रमूला गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनुराग को बचपन से ही कला का शौक है। बचपन से इसको पेंटिंग का शौक रहा जी, और इसमें इसने लगभग आपके 250 के करीब अवार्ड जीत चुका है, और बस मुझको बढ़िया काफी अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि अनुराग देहरादून के केंद्रीय विद्यालय ONGC में 10वीं के छात्र हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए थे। तब अनुराग ने प्रधानमंत्री को अपनी पेंटिंग दिखाई थी, जिसे प्रधानमंत्री ने काफी सराहा था। गणतंत्र दिवस 2021 फुल ड्रेस रिहर्सल के अवसर पर राजपथ पर आज उत्तराखंड राज्य की झांकी केदारखंड की झलक भी देखने को मिली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का विषय केदारखंड रखा गया है। झांकी के अग्रभाग में उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग दर्शाया गया है, जो कि उत्तराखंड के वनाच्छादित हिम शिखरों में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसी प्रकार से उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल और राज्य पुष्प ब्रह्मकमल दिखाया गया है, जो केदारखंड के साथ साथ उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। झांकी के मध्य भाग में भगवान शिव के वाहन नंदी को दर्शाया गया है, साथ में केदारनाथ धाम में यात्रियों को यात्रा करते हुए और श्रद्धालुओं को भक्ति में लीन दर्शाया गया है। झांकी के पृष्ठभाग में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदार का भव्य मंदिर दर्शाया गया है, जिसका जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। इसके साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को दर्शाया गया है और मंदिर के ठीक पीछे विशालकाय दिव्य शिला को भी दर्शाया गया है। इसी दिव्य शिला की वजह से वर्ष 2013 की आपदा में केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा था। कभी रुद्रपुर शहर की शान कही जाने वाली कल्याणी नदी को वापस उसके पुराने अस्तित्व में लाने का काम शुरू हो चुका है। रोटरी क्लब और नगर निगम रुद्रपुर ने मिलकर कल्याणी नदी स्वच्छता समिति का गठन किया है, जिसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर इस नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाएगा। नगर निगम रुद्रपुर के मेयर रामपाल सिंह ने बताया कि इस नदी के पुराने गौरव को जनसहभागिता द्वारा वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम जन सहभागिता के तहत पहले हमारी एक संस्था जुड़ी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब लोग देखेंगे तो दूसरी संस्थाएं भी जुड़ेंगी, और हम जन सहभागिता करते हुए हमारा प्रयास है कि हम लोगों को जोड़ें और इस नदी को मूर्त रूप दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्य नगर आयुक्त रिंकू बिष्ट ने बताया कि नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रथम चरण में 26 जनवरी को जन सहभागिता से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। दूसरे चरण में नदी में कूड़ा न डालने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, और तीसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर नदी में जाल लगाया जाएगा। प्रथम बार एक नगर निगम एक नया प्रयोग करने जा रहा है, एक अनूठी पहल है, जिसमें कि हमने ऑस्ट्रेलिया की मॉडल विधि अपनाई है, जिसमें जो नदी होती है उसमें लोग कूड़ा ना डालें। पहले चरण में तो हम लोग जो कूड़ा पड़ा हुआ है 26 जनवरी को हम उसका पूरा सफाई अभियान करेंगे, जिसमें कि जनता की सहभागिता भी रहेगी। समाजसेवी शिव कुमार ने नदी के पुनर्वास को लेकर स्थानीय प्रशासन और समाजसेवी संस्था का धन्यवाद दिया। और ऑस्ट्रेलिया की जो नदी है उसके मुताबिक, और जैसा मेयर साहब ने कहा कि ये लाइफ लाइन थी, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें तो हम नहाते पानी पीने लायक भी था, आज कुछ किन्हीं कारणों से हमारे समाज के लोगों ने इसको गंदा किया है, और हम लोगों ने रोटरी क्लब की रिक्वेस्ट पे नगर आयुक्त और मेयर साहब मतलब पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित पराक्रम दिवस उद्घाटन समारोह को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, नेताजी के योगदान को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखना हम सबका कर्तव्य। मुख्यमंत्री ने भी नेताजी के संघर्ष और अतुलनीय योगदान को किया नमन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री ने देहरादून में किया सैन्य धाम का शिलान्यास। शहीद के परिजनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की घोषणा, 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई राशि।
राजधानी देहरादून पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया भाग। हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के काम पर जताई संतुष्टि। कहा, विस्तारीकरण के बाद देश के बेहतरीन हवाई अड्डों में शामिल होगा देहरादून एयरपोर्ट। और बालिका दिवस पर एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी हरिद्वार निवासी सृष्टि गोस्वामी। विभागीय विकास कार्यों की करेंगी समीक्षा। अभिभावकों ने कहा, मुख्यमंत्री की पहल से दूसरे राज्यों को लेनी चाहिए प्रेरणा। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड। और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।